हेलो माय यूट्यूब फैमिली आज मम्मियों के लिए सबसे ज्यादा टफ काम है बच्चों को हेल्दी खिलाना और ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाना बच्चों को आप इस तरह से ग्रीन वेजिटेबल बहुत आसानी से खिला सकते हैं कटे हुए बीट्स गाजर बीन्स आलू मटर इन सबको ऐड करे कुकर में साथ ही ऐड करे दो कप पानी हाफ चम्मच नमक प्रेशर कुकर को बंद कर इसे चार सीटी आने तक का वेट करें यहाँ देख सकते हैं चार सीटी बाद वेजिटेबल अच्छे से गल चुका है इसे मैसर की हेल्प से रफली मैस कर लें एक कढ़ाई में हम ऐड कर रहे हैं दो चम्मच तेल रिफाइंड ऑयल एक टुकड़ा बटर का और एक चॉप प्याज दो चॉप हरी मिर्च तीन टमाटर हाफ शिमला मिर्च और इन सबको दो मिनट तक सौटे करना है साथ ही ऐड करेंगे इसमें हाफ चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच जीरा पाउडर और इन सबको भून लेंगे एक से दो मिनट भुने ऐड करें नमक दो चुटकी क्योंकि हमने पहले ही वेजिटेबल्स में नमक ऐड किया है और यहाँ एक पाव भाजी मसाला छोटा पैक हम लोग ऐड कर रहे हैं अगर आप चम्मच से ऐड कर रहे हैं तो यहाँ दो चम्मच आप पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं और साथ ही बॉल वेजिटेबल्स ऐड करें और इसे मैसर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लें इस तरह से आप अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से ग्रीन वेजिटेबल्स खिला सकते हैं और वो भी मज़े लेकर खाएंगे यहाँ ऐड करें लास्ट में धनिया पत्ता और ये हो चुका है भाजी रेडी अब यहाँ करेंगे पाव को टोस्ट पाव उसके लिए बटर चाहिए एक टुकड़ा पाव को ऐसे स्लाइस में काट लें और इस पे लगाएं थोड़ा सा भाजी और इसे अच्छे से टोस्ट कर लें ये रेडी हो गया हमारा पाव भाजी टेस्टी यमी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है एकदम होटल और रेस्टोरेंट जैसी इसे अपने घर में जरूर बनाकर ट्राई करें थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़